ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे आप लोग नाम से ही जान रहे हो कि एक्चुअल में लेंस मेकर फॉर्मूला यहीं से कंफर्म हो रहा है कि इसका मीनिंग लेंस को बनाने वाला एक फॉर्मूला। जैसे आप लोग नॉर्मली देखते हो कि आप डेली लाइफ में अगर किसी की नज़र कमज़ोर हुई है तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको स्पेक्स लगेंगे और वो भी चश्मा कितने नंबर का, प्लस टू का लगेगा भाई साहब। तो इट मीन्स प्लस टू का चश्मा लगने का मीनिंग हुआ, अब आपको ये प्लस टू जो वर्ड साथ में यूज किया गया इसका रिलेवेंट एक मीनिंग रहता है। जैसे डॉक्टर आपको बोलता है प्लस टू का चश्मा लगेगा, आप डॉक्टर उनके पास स्पेक्स बनाने वालों के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि प्लस टू का चश्मा चाहिए, वो रिलेवेंट आपको क्या करते हैं, प्लस टू का चश्मा बनाने के लिए एक लेंस फिट करके बीच में फ्रेम के अंदर वो आपको प्रोवाइडेड कर देते हैं। लेकिन बात इस चीज की थी कि वो प्लस टू का चश्मा उनको कैसे कन्फर्म हुआ कि ये लेंस प्लस टू का ही होगा। प्लस टू का लेंस बनाने के लिए या प्लस फाइव का लेंस बनाने के लिए उनको रिलेवेंट ऐसे इन चीजों के बारे में कैसे कंफर्म हुआ, उन चीजों के लिए जानकारी के लिए हमारा टॉपिक बनाया गया, जिस टॉपिक का नाम क्या रखा गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके बेटा, सो अभी अगर बात करें तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था वो हमें समझ में आया। अब अगर बात करें तो इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और कुछ पिछले कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली पीछे ही एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था रिफ्रेक्शन थ्रू ए कन्वेक्स पॉइंट के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने किसी रे को रेयर से डेंसर मीडियम में भेजा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, म्यू वन अपान माइनस यू प्लस म्यू टू अपान वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान किसके बराबर आया, आर के बराबर। ये हमारे पास था, कोई मीडियम अगर रख दिया जाए तो उसमें रेयर से लाइन को डेंसर में भेजा जाए, उसका जनरल फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर रिफ्रेक्शन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हो रही है तो उसका फॉर्मूला ये था। अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर दो फॉर्मूले कहाँ से याद रखे, यहाँ तो एक रखने की भी अगर बात करें लाले पड़े हुए हैं तो दो कैसे याद रखे। तो सिंपल सा, एक याद रखिए, आप दूसरे की अगर बात करें तो पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करिए, जहां जहां वन है वहां वहां टू लिख लीजिए। देखिए म्यू वन था यहाँ म्यू टू आ गया, यहाँ म्यू टू था यहाँ म्यू वन आ गया, यहाँ म्यू टू था यहाँ म्यू वन आ गया, यहाँ म्यू वन था वहां क्या आ गया, म्यू टू। आप एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकाल लीजिए एंड आफ्टर दैट हमारी शॉर्टकट ट्रिक जो हम लोगों को चाहिए इस फॉर्मूले को सॉर्ट आउट करने के लिए। पहले नंबर पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपकी शॉर्टकट ट्रिक में पहला नंबर पॉइंट आपको क्या मेंशन किया गया, पहला सरफेस। देखिए तो लेंस के दो सरफेस होते हैं, लेंस बनता कैसे है, जब हम लोग कोई सी स्फेरिकल सरफेस को लेते हैं काट देते हैं, काटने पे दो हिस्से बने, ये पहला सरफेस ये दूसरा सरफेस, और दोनों के बीच में मीडियम को फिल किया या कुछ भी मटेरियल को फिल किया, कंबाइन कर दिया, ये मेरे पास अगर बात करें एक लेंस बना। तो जब मैं यहाँ के केस में बात करता हूँ तो इसका मीनिंग ये पहला सरफेस ये दूसरा सरफेस कंबाइन है। अब इसी तरीके से पहला सरफेस ये आ गया यहाँ के केस में, इस सरफेस का नाम यहाँ के केस में मैं मेंशन कर देता हूँ, लेट इट बी एक्स एंड वाई। ये पहला सरफेस कौन सा है, एक्स वन एक्स पी वन वाई आ गया, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग दूसरा सरफेस एक्स पी टू वाई आ गया। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया पहला सरफेस सेकेंड सरफेस एंड आफ्टर दैट अगर बात करें तो कंबाइन कर लीजिए दोनों को, तो दोनों को कंबाइन करके आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक मेरी यही रहेगी और इसी शॉर्टकट ट्रिक के बेस पे अगर बात करें हम लोग क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करें। तो देखिए हमारे सामने ये लेंस दिया गया है, इस लेंस की अगर बात करें ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ के केस में आज हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए। अब कन्वेक्स लेंस अगर बात करें तो लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे बनाता है, तो देखिए ये लेंस लिया, इस लेंस में अगर बात करें ये वाली लाइन जो लेंस को दो इक्वल हिस्सों में काट देती है, इस लाइन को बेटा हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्सिस। और इसी तरीके से ये वाला सेंटर पॉइंट जो लेंस और अगर बात करें ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर पॉइंट होता है, उस पॉइंट को बेटा हम लोग नाम देते हैं दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसी तरीके से ये पहला सरफेस था, इस सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसका नाम रख दिया पी वन दैट इज पोल फर्स्ट, और इसी तरीके से इस कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट था उसका नाम क्या रख दिया पी टू दैट इज पोल सेकंड। अब हम लोग यहाँ के केस में लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना चाहते थे, फिर से बात वही आएगी अल्टीमेट कि हम लोगों को यहाँ के केस में इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पता नहीं है। देखिए ये पहला सरफेस था, इसका कर्वेचर का सर्कल कहां की तरफ कंप्लीट होगा, उस तरफ होगा, क्योंकि ये कर्वेचर का सेंटर वहां की तरफ कंप्लीट होगा। अगर वहां की तरफ कंप्लीट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ की तरफ लाई करना चाहिए, इसके लिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ के केस में नाम दे देता हूँ सी वन पहले सरफेस का। देखिए ये दूसरा सरफेस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ की तरफ लाई करेगा, क्यों, क्योंकि सर्कल इस तरफ कंप्लीट होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख देता हूँ लेट इट बी सी टू, ये मैंने यहाँ के केस में मेंशन कर दिया। अब
इसी के बाद हम लोग यहाँ के केस में ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो लेट इट बी मैं यहाँ के केस में भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मेंशन कर देता हूँ। जब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो जनरली जैसे आप लोगों पहले बताया कि ज्यादा रेस को नहीं लेना, मिनिमम टाइप की रेस लीजिए, क्योंकि पॉइंट्स में रे वहां की तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी आएगी, हर एक डायरेक्शन में फैलेगी, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम रेस लीजिए और उनको कंबाइन करने की कोशिश करिए। सो देखिए यहाँ के केस में भी ये पहली रे जो स्ट्रेट में चल रही है ऐसे करके निकलती जा रही है, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलती है, अब ये पॉइंटेड आ गया। एंड आफ्टर दैट दूसरी रे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी रे यहाँ के केस में ऐसे करके निकली और जाके ये सरफेस से टकराए, तो लेट इट बी ये सरफेस से टकराए। अब देखिए जनरली हम लोगों ने सोचा कि कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड कहां की तरफ होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो इस सरफेस का नॉर्मल कहां बनेगा, तो नॉर्मल के लिए रूल एक ही सीखा था हम लोगों ने, वो क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से रे कहां की तरफ जानी चाहिए, सरफेस के साथ टकरानी चाहिए, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाके सरफेस को टकरानी चाहिए। तो इस सरफेस का सेंटर ये है, तो इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो यहाँ के केस में प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी नॉर्मल बनेगा वो इस सेंटर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। सो देखिए इस सेंट्रल पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैं इस रे को यहाँ के केस में मीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये रे बन गई, ये नॉर्मल आया, ये इंसिडेंट रे थी। ये नॉर्मल अगर बात करें तो इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेंड करके टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है तो ये एक्चुअल में अगर बात करें तो बेंड करके नीचे की तरफ मुड़ेगी, इसलिए ये मुड़ के अगर बात करें तो कहां जाके मीट कर जाती है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे आ गई। इसलिए मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मानता हूँ कि जनरल इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन बाद में देखा गया कि बात इस चीज की कि जो हमारा लेंस होता है वो लेंस फैक्टर से डेंसर होता है, तो जब लाइट रेयर से डेंसर में गई तो वापस डेंसर से रेयर में भी आनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेंडिंग यही और होनी चाहिए। सो हम लोगों ने डिसाइडेबल किया कि जो इमेज ये बनी है वो थोड़ी गलत बन गई, इसलिए हम लोग दूसरे सरफेस के अकॉर्डिंग इस चीज को डिसाइड करें। अब दूसरा सरफेस हमारा एक्स ई टू वाई, इसके अकॉर्डिंग अगर रे को डिसाइडेबल करना है तो इसका मीनिंग नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब नॉर्मल देखिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं हम लोग, तो नॉर्मल इस सरफेस का सेंटर से बनेगा, सेंटर यहाँ पे, इसलिए यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये जाके इस सरफेस पे इस पॉइंट पे टकराए, तो देखिए इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, ये पॉइंटेड आ गया। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये रे डेंसर से जब रेयर में जाती है तो बेंड कहां की तरफ करती है, देखिए डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखिए अब ये रे ऐसे करके जा रही है, नॉर्मल ऊपर है तो अगर ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो इसका मीनिंग रे टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, इस नॉर्मल रे के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें तो नॉर्मल से दूर लेके जानी है तो इसलिए और नीचे की तरफ बेंड करनी पड़ेगी, इसलिए ये रे यहाँ के केस में बेंड होके नीचे की तरफ आ जाएगी, और ये नीचे की तरफ आती हुई अगर बात करें यहाँ पे जाके मीट कर जाएगी, यहाँ पे आके मेरी इमेज फाइनली बन गई। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए आप लोगों को कंसर्ट वैसे ही पॉइंटेड पे है, पहले सरफेस के अकॉर्डिंग इमेज यहाँ बनी बट दूसरे सरफेस के अकॉर्डिंग इमेज ऐसी बनी। अब आपको यहाँ के केस में एक और रिलेवेंट पॉइंट याद रख लीजिए, फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट बन रहा था, फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट बन रहा था बेटा वो आपका था O, बट उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो आपका था O, बट इमेज कौन सी थी, इमेज यहाँ के केस में आपकी बन रही थी I1। अब हम लोग ने I1 को सेकेंड सरफेस के लिए ट्रीट किया एज ए ऑब्जेक्ट, सेकेंड सरफेस के लिए आप लोगों ने इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट किसे ट्रीट किया, ऑब्जेक्ट ट्रीट किया I1 को, इसलिए मैंने यहाँ के केस में क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट को ट्रीट किया I1, और जो इसकी इमेज बनाई वो इमेज कौन सी बनी I, सो सेकंड के सरफेस के लिए इमेज कौन सी होगी I, सो इसलिए आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए जब मैं सरफेस फर्स्ट की बात करूँ तो इसका मीनिंग सरफेस फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट O और इमेज कौन सी बनी I1, और इसी तरीके से सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन कहलाएगा I1 और इमेज कौन कहलाएगी I, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हम हमारे शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर चलते हैं, पहली ट्रिक क्या, फर्स्ट सरफेस लेना, फर्स्ट सरफेस कौन सा है x e1 y, सो लिखता हूं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस, पहला सरफेस कौन सा है यहां के केस में x1 सॉरी x e1, और ये क्या आ गया साथ में y। अब इस पॉइंट के ऊपर लाइट ध्यान से देखो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर, इसलिए फॉर्मूला तो ये यूजेबल होगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू वन एज इट इज रहा डिवाइडेड बाय माइनस एज इट इज रहा
यू। अब पहले सरफेस के लिए यू किस चीज को इंडिकेट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक डिस्टेंस की बात करें तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था ओ और पहले सरफेस के लिए पोल था पी वन। इसका मीनिंग ये यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया ओ पी वन। प्लस अगर बात करें तो म्यू टू का म्यू टू रहा और इसी पॉइंट के ऊपर बी, बी किस चीज को इंडिकेट कर रहा था? इमेज। फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कौन था? आई वन। तो इसका मीनिंग पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है? इमेज डिस्टेंस। इसलिए यहाँ के केस में क्या लिख दिया? पी वन और आई वन। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आगे लिखा गया म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यहाँ के केस में क्या आ गया? आर। आर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो पहले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से आएगा? पोल से लेके ऑप्टिकल, सॉरी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वन, तो P1 से लेके क्या आ जाएगा? C1। ये मैंने यहाँ के केस में मेंशन कर दिया। क्लियर हुआ सबको? एंड आफ्टर दैट देखिए, अब अगर बात करें तो मैंने लिखा कि जब मैंने इसे कंबाइन किया तो एक लेंस बना होगा, तो लेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये लेंस तो हमारे पास बड़ा था। बात इस चीज की कि यहाँ के केस में हम लोग यहाँ के पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लेंस को बड़ा थिन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बार बार की फॉर्मूला जब भी बनाया जाएगा छोटे लेंसेस के लिए भी एप्लीकेबल किया जाएगा, बड़े लेंसेस के लिए एक ही फॉर्मूला बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल जो सरफेस था उसे कंबाइन करके लेंस बनाया, मैंने कहा इतना पतला लेंस बना रहा हूं जिसकी अगर बात करें अपर्चर बड़ा कम है, तो मैंने लेंस को पतला करने की कोशिश की। जब पतला करेंगे तो थिन करने की बात करेंगे तो पी वन खिसकता हुआ कहां पे आ जाएगा? सी पे आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले P यहां पे था, अब ये अंदर की तरफ आते जा रहा है, इसका मीनिंग P C की तरफ चलता जा रहा है, तो ये खिसकता हुआ कहां पे आ जाएगा? सी पे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे जब लेंस थिन होगा तो पॉइंट के ऊपर जहां जहां पी वन है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा? आपको सी लिखना पड़ेगा। सो इसी पॉइंट को लिख देते हैं, सिंस लेंस इज वेरी थिन तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉइंट पी जो पी वन है इज वेरी क्लोज टू क्या आ जाएगा? इज वेरी क्लोज टू पॉइंट, तो पॉइंट किसके आ गया यहां के केस में? पॉइंट किसके आ गया? सी के। इसलिए जहां जहां P1 है वहां वहां क्या आ जाएगा? अब C1। तो देखिए ये आ गया OP1, किसके बराबर आ गया? OC। इसी तरीके से P1 I1 अगर बात करें किसके बराबर आ गया? P की P1 की जगह C लिखना, ये आ गया I1। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग P1 C1 किसके बराबर आ गया? ये आपका आ गया यहां के केस में C C C1। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये वैल्यूज अगर मैं यहां के केस में पुट करता हूं तो देखिए आंसर क्या बन जाएगा। ये वैल्यूज यहां पुट करने पे μ1 as it is रहा और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये माइनस का माइनस एज इट इज रहा। OP1, OP1 किसके बराबर है? माइनस OC आ गया। सिमिलरली प्लस का प्लस रहा, म्यू टू का म्यू टू रहा और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें P1 I1, ये किसके बराबर आ गया? सी आई वन। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई क्या आ गया यहाँ के केस में? ये P1 की जगह आ जाएगा सी सी वन। अब यहां तक तो पॉइंट सारे क्लियर आ रहे हैं। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ के केस में साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे और ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी फिर यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब अगर मैं यहाँ के केस में साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ, करने को तो मैं यहीं पे यूज कर सकता, लेकिन आपके लिए एक्चुअल में थोड़ा जंबल्ड हो जाता है। स्टेप समझाता हूँ स्टेप के ऊपर। ओके बेटा, सो अभी हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज कर रहे थे। ओसी देख लीजिए, ओ से लेके सी तक अगर बात करें तो लेफ्ट साइड आ रहा था इसलिए माइनस ओसी लिखा। इसी तरीके से सी आई वन की बात करें, सी आई वन देखा जाए तो बेटा कहाँ की तरफ आ रहा है? ध्यान से देखो, सी से लेके आई वन तक की बात करना है, ये आ रहा है राइट साइड पे, इसलिए राइट साइड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये प्लस रहेगा, दिस सी आई वन एज इट इज रहा। देन आफ्टर दैट अगर बात करें सी सी वन, सी सी वन की अगर बात करें तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कहाँ की तरफ आ रहा है? सी से लेके सी वन तक, ठीक राइट साइड आ रहा है, इसलिए मैंने राइट साइड की अकॉर्डिंग ऐसे मेंशन कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हो तो क्या आ जाएगा? म्यू वन एज इट इज डिवाइडेड बाय माइनस, पहले से था ये माइनस आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया ओसी। प्लस अगर बात करें तो म्यू टू का म्यू टू रहा डिवाइडेड बाय सी आई वन, सी आई वन एज इट इज रहा। इसी पॉइंट के ऊपर नहीं, यहाँ के केस में म्यू टू डिवाइडेड म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ के केस में? सी सी वन, सी सी वन की वैल्यू एज इट इज यहाँ के केस में मैंशन कर दी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बनी। बस ये था पहले सरफेस का कंसेप्ट। अब जब आपका पहला सरफेस का कंसेप्ट निकल गया तो सिमिलरली वैसे आपने किसका निकालना है? सेकंड सरफेस का। अब सेकंड सरफेस के लिए अगर बात करें तो हम लोग इसी कहानी को फिर से रिपीट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मैं इस वाली साइड को रब कर देता हूं ताकि सेकंड सरफेस को यहाँ के केस में फाइंड आउट कर पाऊं। तो देखिए अब सेम मेथड से हम लोग सेकंड सरफेस के ऊपर काम करेंगे।
सेकेंड सरफेस का नाम क्या है यहाँ के केस में, एक्स पी टू और ये आ गया पाई, तो इसलिए मैं यहाँ के केस में लिखता हूँ एक्स पी टू और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ गया पाई। अब देखिए ये लाइन अगर बात करें तो डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी, रेयर में, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के लिए लाइन का जनरल फॉर्मूला ये था, तो इसलिए मैंने जनरल फॉर्मूले को लिख दिया म्यू टू डिवाइडेड बाई यहाँ के केस में आया माइनस का माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यहाँ के केस में सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन था आई वन, इसलिए किस पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगा सेकेंड सरफेस से पी टू, पी टू से लेके आई वन, इसलिए मैं यहाँ के केस में पी टू आई वन लिख देता हूँ। फिर अगर बात करें तो पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आया, प्लस का प्लस आया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग म्यू वन का म्यू वन आया। अब अगर बात करें तो यहाँ के केस में इमेज सेकेंड सरफेस के लिए इमेज कौन थी आई, इसलिए पी टू से लेके आई तक, दैट इज पोर्ट से लेके आई तक इमेज का पॉइंट आ गया, इसलिए मैंने लिख दिया पी टू आई। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, यहाँ के केस में म्यू वन माइनस म्यू टू, ये म्यू टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय क्या आ गया आर, आर किस चीज को इंडिकेट करता था डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहा इस तरफ, इसलिए पी टू से लेके क्या आ जाएगा सी टू तक, ये मैंने डिस्टेंस को यहाँ के केस में मेंशन कर दिया। अब हम लोग यहाँ के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम तरीके से स्टेपिंग लिखेंगे जैसे पहले मेंशन कर रहे थे कि हमारा लेंथ बड़ा थिन होगा, इसलिए तो हम लोग लिखते हैं सिंस लेंथ इज वेरी थिन, सिंस लेंथ इज वेरी थिन, अगर लेंथ थिन हुआ उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पॉइंटेड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये P2 वाला पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा C पे, इसलिए हम लोग लिखेंगे सिंस लेंथ इज वेरी थिन देयरफॉर पॉइंट P2, पॉइंट जो P2 है इज वेरी क्लोज टू किसके आ जाएगा, इज वेरी क्लोज टू पॉइंट और यहाँ के केस में आ जाएगा C। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे पॉइंट C के क्लोज आया तो इसका मीनिंग निकल के आएगा कि जो P2 है जहां जहां P2 वहां वहां क्या लिखते जाएंगे C, तो इसलिए हम लोग यहाँ के केस में P2 I1 किसके बराबर मेंशन कर देंगे, ये आ जाएगा C I1। इसी तरीके से P2 I अगर बात करें तो किसके अकॉर्डिंग मेंशन हो जाएगा, ये आ जाएगा C I। इसी तरीके से P2 अगर बात करें C2 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा C C2। देखिए जहां जहां अगर बात करें तो P था वहां वहां मैंने क्या कर दिया C मेंशन कर दिया, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो देखिए अब ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले को यहाँ के केस में मैं आपको फिर से मेंशन करके बताता हूँ। देखिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन को रख कर दिया, मैं इस इक्वेशन को फिर से आप लोगों को रिपीटली मैं लिख के बता देता हूँ। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ये क्या आ जाएगा म्यू टू का म्यू टू रहा डिवाइडेड बाई माइनस का माइनस रहा, ये पी टू की जगह क्या आ जाएगा, देखिए ये पी टू की जगह आ गया सी C1, C I1, sorry। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लस का प्लस रहा, ये म्यू टू का म्यू टू रहा डिवाइडेड बाय यहाँ के केस में क्या आ जाएगा P2 की जगह आ जाएगा C I। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय यहाँ के केस में क्या आ जाएगा P2, P2 की जगह क्या आ जाएगा C C2, ये मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ के केस में साइन कन्वेंशन यूज किए थे, अब ऐसे ही करते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए C I1 almost किसके बराबर, देखिए C I1 अगर बात करें C से लेके I1 तक, ठीक राइट साइड आ रहा है इसलिए राइट साइड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रहेगा, C I अगर बात करें तो पॉइंट के हिसाब से C से लेके I तक राइट साइड आ रहा है इसलिए C I रहा। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग C C2, C से लेके C2 तक ये लेफ्ट साइड आ रहा है इसलिए C C2 के पॉइंट के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन आ गया माइनस C C2। अब यही साइन कन्वेंशन यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू टू अपान कितना आ जाएगा माइनस सी आई वन, इस प्लस का प्लस रहा म्यू टू का म्यू टू रहा, और अगर बात करें सी आई, सी आई की जगह यहाँ के केस में सी आई जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था, यहाँ के केस में म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहाँ के केस में माइनस सी सी टू। अब देखिए मैं इसके साइन कन्वेंशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ के केस में ना ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये पिछले के साथ मैच कर जाए, ये म्यू टू डिवाइडेड बाय क्या आ गया सी आई गया, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग माइनस को कॉमन निकाला तो ये अंदर बच जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय यहाँ के केस में क्या आ जाएगा माइनस सी सी टू, ये माइनस और माइनस कैंसिल हुआ तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन है बेटा वो मैं यहाँ के केस में मेंशन कर देता हूँ ताकि आगे डेरिवेशन को करने में मेरी आसानी हो जाए। यहाँ के केस में मेंशन कर रहा हूँ म्यू टू अपान कितना आ गया माइनस यू, सॉरी इट्स माइनस सी सी वन, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आ गया आपका सी सी वन। इसी पॉइंट के बाद अगर बात करें तो प्लस का प्लस आया यहाँ के केस में म्यू टू का म्यू टू रहा, सॉरी इट्स म्यू टू,
अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सॉरी फॉर दैट, आई थिंक मैं कहीं गलती कर गया हूँ, इट्स म्यू वन, ये म्यू वन था, ये म्यू वन था, मैं गलती से म्यू टू लेके चल रहा हूँ, ये म्यू वन मैं चेक कर देता हूँ यहाँ के केस में, ये यहाँ के केस में भी आ गया म्यू वन। तो देखिए ये म्यू वन डिवाइडेड बाई यहाँ के केस में क्या आ गया सी आई, इसके बाद अगर बात करें तो पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यहाँ के केस में क्या आ गया आपका, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ के केस में, दैट इज सी सी टू। ये हमारे पास अगर बात करें तो सेकेंड सरफेस की वैल्यू थी। अब हम लोग इसी चीज को लेके ना अपनी सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मैंने कहा था कि जब दो सरफेस निकल जाए तो दो सरफेस के बाद आपको क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है। तो कंबाइन करते हैं और आंसर्स को फाइनलाइज करके यहाँ के केस में लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन जो फर्स्ट सी वैली, उस इक्वेशन फर्स्ट को भी यहाँ के केस में मैं पहले मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे वो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी बनी थी, फिर उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग को कंबाइन करके जो आंसर आएगा वो यहाँ के केस में हम लोग लिख देंगे। सो देखिए आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी थी, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपकी म्यू वन अपान कितना था, दैट इज ओ सी, प्लस यहाँ पे था म्यू टू डिवाइडेड बाय सी सी आई वन, सी आई वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया था यहाँ के केस में, दैट इज सी सी वन। ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करता हूं तो देखिए आंसर आ जाएगा यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, म्यू वन लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ऐड करना है, म्यू वन अपान ओ सी प्लस म्यू टू अपान कितना आ गया सी सी वन, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लस इसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नीचे माइनस था इसलिए माइनस को पहले लिख देता हूँ, माइनस म्यू टू अपान कितना आ गया सी सी वन, प्लस अगर बात करें तो म्यू वन अपान सी सी आई, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग कितना आ गया म्यू टू माइनस कितना आ गया म्यू वन डिवाइडेड बाय कितना आ गया सी सी वन, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय कितना आ गया यहाँ के केस में सी सी टू। अब देखिए मैंने लेफ्ट वाले को लेफ्ट से लिख दिया राइट वाले, म्यू टू माइनस म्यू वन अपान सी सी वन आ गया यहाँ के केस में भी, इससे गलती कहीं ना कहीं कर रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है ये ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो कैंसिल होता है हम कैंसिल आउट कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग म्यू वन अपान ओ सी प्लस म्यू वन अपान कितना आ गया यहाँ के केस में सी आई, ये म्यू है बेटा, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग कॉमन क्या आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या, ये देखिए ये दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, एक स्टेप और कम कर लेते हैं, सी सी वन प्लस कितना आ गया वन अपान सी सी टू। अब देखिए सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इनमें से अगर बात करें तो पॉइंट के अकॉर्डिंग म्यू वन कॉमन आ रहा है, म्यू वन को भी कॉमन निकाल लेते हैं प्लस इनके साइन कन्वेंशन भी लगा देते हैं, तो मैं यहाँ के केस में ना यूजिंग साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ और वैल्यूज को भी पुट कर देता हूँ। अब आप मुझे बताओ ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक मीन्स ओ से लेके सी तक ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ इसे डिनोट करते हैं बेटा यू से, और यहाँ के केस में ये आ रहा है टी ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस आया। सी आई, सी आई अगर बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक, दैट इज इमेज डिस्टेंस, इसे डिनोट करते हैं बी से और राइट साइड आर इसलिए बी लिख दिया। सी सी वन, सी सी वन इसका मीनिंग सी से लेके सी वन तक अगर बात करें तो ये ठीक राइट साइड आ रहा है, तो राइट साइड पॉइंट के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर से आर वन रख दिया। सी सी टू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सी से लेके सी टू तक, सी से लेके सी टू तक लेफ्ट साइड आ रहा है, सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर था इसलिए माइनस आर टू मेंशन कर दिया। अब ये वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ बेटा। अब ध्यान से सुनिए, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट की तो म्यू वन कॉमन ले लेता हूँ और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में बच गया वन अपान ओ सी की वैल्यू कितनी थी माइनस यू, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लस यहाँ के केस में म्यू वन कॉमन आ चुका है वन अपान क्या आ गया बी, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आगे म्यू टू माइनस म्यू वन एज इट इज रहा, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वन अपान सी सी वन ये कितना था आर वन प्लस का, ये वन अपान आर वन प्लस का, फिर इसके बाद प्लस एज इट इज प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस सी सी टू की वैल्यू कितनी थी नेगेटिव, ये कितनी आ जाएगी माइनस आर टू। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ध्यान से देखा जाए तो वन अपान बी किसके बराबर, सॉरी इट्स वन अपान बी माइनस वन अपान यू किसके बराबर होता था वन अपान एफ,
ये वैल्यू यहाँ के केस में पुट कर देता हूँ तो म्यू वन इंटू कितना आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया सॉरी इट्स बाहर आ गया 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। अब हम लोग क्या करते हैं म्यू वन इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड करेंगे तो दोनों के नीचे ये टूट जाएगा इसलिए दोनों के नीचे म्यू वन को तोड़ दिया। अब बचा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन क्या आ गया आर टू क्या। अब देखिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये म्यू वन कैंसिल हो रहा तो आप लोगों को साथ में ये भी याद था कि P किसके बराबर होता पावर ऑफ लेंस क्या था पावर ऑफ लेंस इंडिकेट करता था कोई लाइट कितनी कन्वर्ज या कितनी डाइवर्ज हो रही है उस चीज को इंडिकेट करता था उसकी वैल्यू को नोट करने के लिए फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन एफ ये मेंशन कर दिया। अब आपको ये भी याद था म्यू किसके बराबर होता था म्यू टू माइनस म्यू वन और इसलिए म्यू टू अपॉन म्यू वन किसके बराबर लिख दिया म्यू क्योंकि दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर अल्टीमेट मेरे पास बात रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा इसलिए म्यू से डिनोट कर दिया। यहाँ के केस में P आ गया और यहाँ के केस में म्यू टू अपॉन म्यू वन ये दैट इज म्यू को इंडिकेट कर गया माइनस वन और यहाँ के केस में क्या आ गया 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन क्या आ गया आर टू। सो हमारे पास अल्टीमेटली जनरली जो लेंस मेकर फॉर्मूला बना वो हमारे पास ये था फाइनल पॉइंट। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूजेबल कैसे करते हैं देखिए डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो और डॉक्टर को आपको बोलते हो कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो हम लोगों को प्लस टू का चश्मा चाहिए। अब प्लस टू का पॉइंट के अकॉर्डिंग स्पेक्स वाले ने प्लस टू के चश्मे के लिए आप लोगों ने इंटीमेट किया प्लस टू बेटा इंडिकेट करता है पावर। देखिए मैं आपको यहाँ से दो चीजें क्लियर कर देता हूँ अगर आप लिखते हो प्लस टू इस प्लस का इंडिकेट हुआ कि आप कौन सा लेंस यूज करने वाले प्लस इंडिकेट करता है बेटा ये कन्वेक्स लेंस है। क्यों कन्वेक्स लेंस क्योंकि आप लोगों ने अल्टीमेट पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है और इसके लिए जो फोकस यूज होता है वो राइट साइड वाला होता था इसलिए पावर का जनरल फॉर्मूला था 1 अपॉन फोकल लेंथ इसलिए ये तो पॉजिटिव नंबर हुआ तो फोकस भी क्या था पॉजिटिव वर्ड क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए राइट साइड वाला फोकस यूज करते हैं पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव आंसर अल्टीमेट क्या आया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है आपको कौन सा लेंस यूज किया रहा है कन्वेक्स लेंस। अब ये टू क्या इंडिकेट कर रहा है इसकी पावर तो प्लस टू के चश्मे के लिए प्लस टू वैल्यू पुट करते हैं। और आप लोगों को लेंस बनाने का तरीका भी याद है कि जब दो स्फेरिकल ग्लास लेते थे काटते थे ये दो हिस्से बटे इसके अंदर मीडियम फिल किया था उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है वो हमें कंफर्म होता है। जब ये दो वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो हम लोगों को आर वन और आर टू पता चल जाता है और आर वन और आर टू आपको क्या इंडिकेट करता है रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर तो जिस रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर के अकॉर्डिंग वो लेंस बनाए जाएंगे। लेट इट बी सपोज आपने प्लस टू को बोला था और आपका रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर निकल के आया मान लीजिए तीन तीन थ्री और थ्री आपने एक रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर थ्री वाला लेंस लिया एक रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर थ्री वाला लिया दोनों को फिल करने कंबाइन करने से पहले जो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पुट की थी वो वैल्यू पुट की आपने कंबाइन किया या आपके सामने एक लेंस बना इस लेंस को हम लोग क्या कह दिए प्लस टू का चश्मा बना। अगर आप कहते हो कि हम लोगों को डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब माइनस फाइव का चश्मा लगाइए या माइनस टू का लगाइए माइनस इंडिकेट करता बेटा कौन सा लेंस होगा कनकेव इट मींस उनको समझ में आया अब कनकेव लेंस बनाना है तो क्या करते हैं फिर से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करते हैं पावर की वैल्यू पुट की लेट इट बी उनका रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर आया मान लीजिए 3। अब रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर 3 आया ये स्फेरिकल ग्लास लिया काटा 3 रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर 3 रेडियस ऑफ क्यूर्वेचर लेकिन कनकेव बनाना है तो कनकेव बनाने के उल्टा जोड़ा और कंबाइन किया बीच में मीडियम फिल किया और ये लेंस आपको बना के दे दिया कि कौन सा बन गया कनकेव का समझ में आया सबको। सो इस तरीके से हम लोग उस पावर ऑफ लेंस को यहां के केस में वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को सबको ये चीज क्लियर होगी बट स्टिल ध्यान इस चीज का रखिए कि आप लोगों की शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है अगर शॉर्टकट ट्रिक्स आपको याद रहेगी तो इट मीन सब चीजें आप लोगों को क्लियर रहेंगी ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतने करते हैं ओके थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।